वहाँ अपना किसी के साथ तो अपना दोस्ती था, वही सब करवाया है। यही लाइनर का काम करिए। उसकी पत्नी, उसे कौन बचा सकता है जिसकी पत्नी ही हत्या की साजिश रच डाले। भारतीय संस्कृति में एक तरफ जहां पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी पत्नी भी है जिसने अपने पति की हत्या की साजिश रच डाली, अपने पति के हत्यारों तक हर वो खबर पहुंचाई, हर वो सूचना पहुंचाई जिसकी वजह से उसके पति की हत्या संभव हो पाई। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरी डाउट न्यूज। दरअसल हम बात कर रहे हैं तरैया थाना अंतर्गत आने वाले उसी चंदपुरा गांव के निवासी कुणाल सिंह की, जिनकी हत्या अमनौर थाना अंतर्गत आने वाले अपहर में 24 जुलाई को कर दी गई। हत्या की वजह प्रथम दृष्टया बहुत मामूली दिख रहा था। ऐसा प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि मामूली बहस में रोडरेज की घटना है और हत्यारे ने उनकी हत्या कर दी, गोली मार दी। लेकिन आम लोगों के साथ साथ पुलिस प्रशासन के लिए भी ये विश्वास करना बहुत मुश्किल होने लगा था कि ऐसे मामूली घटना में कोई किसी को गोली कैसे मार सकता है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सारण एसपी डॉक्टर गौरव मंगला ने, जैसा उनका इतिहास रहा है वैसा ही कुछ काम इस मामले में भी किया और 72 घंटे के अंदर अपने कुशल नेतृत्व में मामले का उद्भेदन कर दिया, हत्या के साजिशकर्ताओं को और हत्या की वजह का पता कर लिया। आइए अब आपको इस पूरी घटना की विस्तृत जानकारी देते हैं। इस घटना की शुरुआत होती है 24 जुलाई को, जब कुणाल सिंह तरैया थाना अंतर्गत आने वाले उसी चंदपुरा अपने गांव से आरा के लिए निकले, जहां वो एक निजी फाइनेंस कंपनी में काम करते थे। इसी दौरान अमनौर से पहले हत्यारे ने उनकी हत्या की कोशिश की, जैसा सूत्रों से पता चला, लेकिन भीड़ अधिक होने की वजह से वो कामयाब नहीं हो सका। वो उनका पीछा करता हुआ अपहर तक पहुंचा और वहां, जैसा प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है, कि कुणाल सिंह और हत्यारे के बीच कुछ बहस भी हुए और उसके बाद हत्यारे ने उन्हें गोली मार दी। इस मामले को एक अलग एंगल देने की भी कोशिश की गई कि यह मामला रोड रेज का है, लेकिन आम लोगों के साथ साथ पुलिस के लिए भी ये विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि मामूली रोड रेज की घटना में एक छोटी सी बहस के बीच कोई किसी को गोली कैसे मार सकता है। गंभीर मामला था, हत्या का मामला था, सरकार और प्रशासन पे सवाल उठ रहे थे। इसकी गंभीरता को देखते हुए सारण एसपी डॉक्टर गौरव मंगला ने इसका नेतृत्व खुद किया और गठित एसआईटी और अमनौर थाना प्रभारी की मदद से मामले का उद्भेदन शुरू किया। हालांकि उद्भेदन के दौरान भी पुलिस के सामने कई चुनौतियां आईं। ये मुश्किल हो रहा था पता करना कि हत्यारे को तलाशा कैसे जाए। उद्भेदन के दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, पता करने की कोशिश की गई कि हत्यारा कौन है। सीसीटीवी फुटेज भी मिला, सीसीटीवी फुटेज में हत्यारा दिखा भी, जिस अपाची बाइक पे था वो बाइक भी दिखी, लेकिन उस अपाची बाइक के नंबर नहीं दिख रहे थे। हत्यारे का जो चेहरा दिख रहा था वो स्पष्ट नहीं दिख रहा था। पुलिस के लिए चुनौती बढ़ गई थी, पता करना था हत्यारा है कौन। वैसे में अपाची बाइक भी बहुत आसानी से उपलब्ध होने वाली बाइक है और हर जगह बहुत अधिक संख्या में दिख जाती है। वैसे में सिर्फ एक अपाची बाइक से ये पता करना कि हत्यारा कौन है, हत्यारे तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था, लेकिन पुलिस लगातार कोशिश में लगी रही। अंततः उन्हें एक लीड मिला जो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आप देख सकते हैं इस वीडियो में, जब पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिला, ये वही सीसीटीवी फुटेज है जिसे आप देख रहे हैं सामने। ये पुलिस के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था क्योंकि इस सीसीटीवी फुटेज में कहीं आपको नंबर नहीं दिखेगा। एक बहुत आसानी से उपलब्ध होने वाली अपाची बाइक है जिस पे हत्यारा बैठा हुआ है, लेकिन हत्यारे का चेहरा भी धुंधला दिख रहा है। वैसे में पुलिस को हत्यारे की तलाश करना मुश्किल था, लेकिन अंततः, जैसा आप इस फोटो में देख सकते हैं, इस वीडियो में देख सकते हैं, अपाची बाइक की जो नीली हेडलाइट है उससे हत्यारे तक पहुंचना थोड़ा आसान लगने लगा। अब आपको मैं वो वीडियो भी दिखाता हूं जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं जो बाइक जब्त की गई थी की हालत और उस नीली लाइट को। आप देख सकते हैं इस वीडियो में
जहां स्पष्ट आप देख सकते हैं कि अपाची बाइक की ये नीली हेडलाइट जो अमूमन अपाची बाइक में नहीं होती है, यही वो माध्यम बना। यही नीली हेडलाइट माध्यम बनी हत्या की साजिश रचने वालों तक पहुंचने के लिए। हालांकि पुलिस पहले भी जिन लोगों पर शक था उनका नंबर सर्विलांस में ले चुकी थी, लेकिन फिर भी मुश्किल हो रहा था हत्या की साजिश रचने वालों तक पहुंचना और हत्यारे तक पहुंचना। वैसे में नीली हेडलाइट के माध्यम से उस बाइक की तलाश जारी की, उस बाइक की तलाश शुरू की गई। अंततः नीली हेडलाइट वाली अपाची बाइक की तलाश करते करते पुलिस हत्या की साजिश रचने वाले धीरज सिंह तक पहुंची। धीरज सिंह तक पहुंचने के बाद मामला बहुत स्पष्ट हो गया और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से यह समझ में आने लगा कि मामला प्रेम प्रसंग का था। धीरज सिंह की जवाबदेही के बाद, धीरज सिंह की गिरफ्तारी के बाद हत्या की साजिश रचने में शामिल कुणाल सिंह की पत्नी को भी 28 जुलाई को पुलिस ने उनके गांव उसरी चंद्रपुरा से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद दोनों को अमनौर थाना लाया गया, जहां दोनों ने अपनी साजिश को स्वीकार कर लिया। उन्होंने इस बात की स्वीकृति दी कि वो हत्या में शामिल हैं। उन्होंने इस बात को भी मान लिया कि वर्षों से चले आ रहे प्रेम प्रसंग के कारण ही वो कुणाल सिंह की हत्या की साजिश कर रहे थे। जैसा हमें सूत्रों से पता चला, धीरज सिंह ये स्वीकार कर रहे थे कि कुणाल सिंह की हत्या की साजिश इससे पहले भी वो कई बार कर चुके थे, लेकिन किस्मत से कुणाल सिंह बच गए थे। अगर सूत्रों की माने तो धीरज सिंह ने बहुत कम पैसे में और भविष्य में आर्थिक मदद का आश्वासन देकर हत्यारे को हत्या के लिए तैयार कर लिया था। अभी तक हत्यारा पकड़ा नहीं गया है, लेकिन सारण एसपी डॉक्टर गौरव मंगला का ये दावा है कि लगातार छापेमारी जारी है और बहुत जल्द वो हत्यारा भी पकड़ा जाएगा। हम इस हत्या के बाद कुणाल सिंह के गांव भी पहुंचे, जहां हमने उनके गांव वालों से भी बात करने की कोशिश की थी। गांव वाले चूंकि मामला गंभीर था तो कैमरा के सामने आने को तो तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन उनका ये कहना था कि कुणाल सिंह बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, बहुत ही सीधे साधे और सज्जन व्यक्ति थे, कभी उनकी किसी से दुश्मनी नहीं रही। हमने उनके पिताजी से भी बात की, आप आगे देख सकते हैं हमारी जो उनके पिताजी से बात हुई थी वो वीडियो। आप लोगों को कब पता चला? हम लोगों को पता चला 7:30 बजे करीब, पुलिस के माध्यम से पता चला था। हम लोग गए वहाँ सदर हॉस्पिटल में पहुंचे तो मृत्यु घोषित कर दिए थे डॉक्टर लोग। उसके बाद वहाँ प्रक्रिया हुआ, पोस्टमार्टम कराए, लेकर आए। अच्छा, जो लड़का थे आपके कुणाल जी, उनकी किसी से कोई झगड़ा वगैरह थी या कहीं वैसे? ऐसी कोई बात नहीं है, किसी तरह का कोई खास झगड़ा किसी से, इस तरह का जानलेवा हमला वाला झगड़ा किसी से नहीं था। लड़का था तो पटका पटकी ठूसा ठूसी तो आप भी किए होंगे कई बचपन, बाकी जानलेवा किसी से हो। अच्छा, पुलिस इस पे क्या कर रही है, क्या कार्रवाई हो रही है? पुलिस लगी है और अच्छी कार्रवाई हो रही है, हो सकता है कि बहुत कम समय में इसका रिजल्ट भी सामने आ जाए। इसमें पुलिस लगी है, पुलिस लगी, ऐसी बात नहीं है, पुलिस लगी है। अच्छा, एक खबर आ जा रहा है कि उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया, इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, सही है, पूछताछ के लिए ले गया गया है। तो मतलब उनको गिरफ्तार किया गया है सिर्फ पूछताछ के लिए? अब गिरफ्तार और पूछताछ में कोई खास अंतर नहीं होता है, शक के आधार पर पूछताछ होता है, जब प्रूफ मिल जाता है तो गिरफ्तारी होता है। पुलिस को कहीं से ना कहीं से कुछ मिली है अपना कामयाबी, कॉल डिटेल फोन वगैरह अभी उसके आधार पर ले गया है। अच्छा, कुछ आपसी विवाद था क्या पति पत्नी के बीच, ऐसा कुछ आप लोगों को जैसे परिवार में पता चला? नहीं नहीं, आपसी कोई विवाद नहीं था, उसको बचपन शादी से पहले से ही वहाँ अपना किसी के साथ अपना दोस्ती था, वही सब करवाया है मैंने पुलिस के हिसाब से, जो पुलिस कह रही है, जो दिखा रही है सीडी निकला है सब अपना डाटा वगैरह, उस हिसाब से यही लाइनर का काम करिए। उसकी पत्नी
अच्छा, जिस दिन ये घटना घटित हुआ, जैसा लोग बता रहे हैं कि घर से ही वो गए थे, आरा जा रहे थे शायद? हाँ, घर से ही गए थे, आरा नौकरी करते थे। कहाँ काम कर रहे थे आरा में? वो फाइनेंस कंपनी में काम करता था। अच्छा, उस दिन उनकी पत्नी कहाँ थी जिस दिन ये घटना घटी? घर पे थी, घर पे थी। अच्छा, ये जैसा लोगों ने बताया कि 2-2.5 महीने पहले शायद आरा उनकी नौकरी हुई थी, इससे पहले कहीं और थे, तो बताएंगे क्या इससे पहले कहाँ कर रहे थे? बंधन बैंक में थे, बंधन बैंक में छूटे तो अपना इधर उधर ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कहीं लग जाए, ये अपना फिर वहाँ लग गए, कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे कुणाल सिंह के पिताजी से हमारी बात। बहरहाल, इस खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरी डाउट न्यूज। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।